एक जंगल में टॉनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनो चिड़िया के साथ रह रही होती है। जंगल में टुनटुनो चिड़िया और टॉनी चिड़िया के अलावा कोई और परिंदा नहीं रहता। टॉनी चिड़िया ये सोचकर बहुत परेशान होती है कि हमें किसी दूसरे जंगल में घर बनाना चाहिए था, जहाँ परिंदे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का मुसीबत में साथ देते हैं। वो अपनी बेटी को कहती है, रे टुनटुनो बेटा, हमें दूसरे जंगल में कहीं घर बनाना चाहिए था, जहाँ हम मिलजुल कर रहते। अगर कोई मुसीबत आती तो दूसरे परिंदे हमारा साथ देते। हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, लेकिन टुनटुनो बेटा, अब परेशान नहीं हो, मैं कुछ ही दिनों में दूसरे जंगल में घर बना लूंगी। जैसे ही हम जमा पूंजी इकट्ठी कर लेंगे, फिर किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे। टुनटुनो बेटा, मैं बहुत परेशान होती हूँ जब मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जाती हूँ, कि टुनटुनो अकेली घर में है, कहीं कोई परिंदा उसे नुकसान ही ना दे, कोई पास ही ना खा जाए। टुनटुनो बेटा, मुझे चलना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इस जंगल में खाना कहीं नहीं है, खाना मुझे बहुत दूर से लाना पड़ता है, और मौसम भी काफी खराब है। मौसम ऐसा ना हो कि ज्यादा खराब हो जाए, मुझे अब चलना चाहिए, बारिश से पहले पहले मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊं। वहां से टॉनी चिड़िया चली जाती है और रास्ते में वो सोचती है कि कहीं बारिश ही ना आ जाए। टुनटुनो क्या करेगी, वो तो बहुत परेशान हो जाएगी। वो जा ही रही होती है, अभी रास्ते में ही होती है कि बादल बहुत ज्यादा आ जाते हैं। टुनटुनो बादलों को देखकर बहुत परेशान होती है और दिल ही दिल में सोचती है, अरे मेरी माँ कहाँ चली गई है, इतने ज्यादा बादल आ रहे हैं, माँ जल्दी घर वापस आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी टुनटुनो चिड़िया अपनी माँ का इंतजार ही कर रही होती है कि शदीद बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, बारिश के साथ तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। टुनटुनो का घोंसला नीचे गिर जाता है और बारिश से बुरी तरह भीग जाता है। टुनटुनो घोंसले के साथ ही जमीन पर गिर जाती है। यूं टुनटुनो बहुत ज्यादा परेशान होती है। इतने में तेज बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी आ जाता है। टुनटुनो पानी में डूब जाती है और अपनी जान से हाथ धो बैठती। तेज बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी आने की वजह से टुनटुनो बुरी तरह पानी में भीग जाती है और अपनी जान से हाथ धो बैठती है। वो काफी देर पानी में डूबी रहती है, उसकी सांसें फूल जाती हैं और वो मर जाती है। जैसे ही टुनटुनो की माँ वापस आती है, वो ये देखकर बहुत परेशान होती है कि न जाने टुनटुनो कहाँ चली गई है, ना ही घर नजर आ रहा है और ना ही टुनटुनो। जैसे ही टॉनी चिड़िया अपने जंगल में पहुंचती है तो उसे गुमान होता है कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं आ गई, मौसम खराब की वजह से लगता है गलत रास्ते पर आ गई है। फिर उसे सोच आती है कि यही घर है, यही मेरा घर था और टुनटुनो को मैं इसी जगह छोड़ कर गई थी। टॉनी चिड़िया बहुत परेशान होती है और सोचती है, अरे खुदारा, यही मेरा घर था, मैं इसी जगह अपनी बेटी टुनटुनो को छोड़ कर गई थी, मेरी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही, ना ही मेरा घर नजर आ रहा है, इतना ज्यादा पानी, लगता है पानी में मेरा घर भीग कर गिर गया है। अभी वो ये सोच ही रही होती है, अचानक टॉनी चिड़िया की नजर अपनी बेटी टुनटुनो पर पड़ती है, जो कि पानी में डूबी होती है, सांस फूली होती है और वो जान से हाथ धो बैठती है। टॉनी चिड़िया बहुत परेशान होती है और कहती है, अरे टुनटुनो बेटा, मुझे पहले ही डर लग रहा था, कहीं मेरी बेटी को बारिश में कोई नुकसान ही ना हो जाए, खुदारा ये क्या हो गया है, मैं अपनी बेटी के लिए दाना दुनका लेने गई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे साथ जंगल में घर बनाना चाहिए था, हो सकता था कोई परिंदा मेरी बेटी को बचा लेता। टॉनी चिड़िया ये सोचकर बहुत परेशान होती है, वो सोचती है मुझे दूसरे जंगल में मिलजुल कर दूसरे परिंदों के साथ घर बनाना चाहिए था, और हो सकता था टॉनी चिड़िया की बेटी टुनटुनो चिड़िया की जान बच जाती, कोई परिंदा उसे पानी से निकाल लेता। यूं टुनटुनो अपनी माँ के पास जिंदा सलामत और खुशी के साथ जिंदगी गुजारती।